और इस मस्जिद को जो ना 17th century के अंदर बनाया गया था, और ये मस्जिद इतनी बड़ी है ना, यहाँ पे जो ना 10,000 लोग जो ना एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सअप ब्यूटीफुल पीपल। अपनी ऑल इंडिया स्कूटर ट्रिप जो है ना पहुंच चुके हैं अभी हैदराबाद, और आज जो है ना हम आपको हैदराबाद घुमाएंगे अपनी पिछली स्कूटर की पिछली सीट पर बैठा के। और स्कूटर के अंदर कुछ काम करना है, जैसे कि मेरे स्कूटर का जो है ना मिरर टूट गया था, तो वो जो है ना अभी यहाँ पर वेल्ड कराएंगे। उसके बाद जो है ना सीधा चार मीनार के पास आएंगे, और वहाँ से जो है ना मुझे कुछ लेना है और वो लेके जो है ना फिर आ जाएंगे वापस। और एक पार्सल भी अपना आ रहा है, जिसमें आप बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि अपना स्पीडोमीटर सही करवा दो, अपनी स्पीडोमीटर सही करा दो, तो उसी के रिलेटेड जो है स्पीडोमीटर का ही है, तो वो जो है ना हम लगाएंगे अपने स्कूटर के ऊपर और देखते हैं कैसा दिन आज का हमारा निकलेगा। तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक। तो भाई ये रही अपनी स्कूटर, और मैंने अपने मोबाइल लगा दिया है। ओहो, बिस्मिल्लाह। तो एक मैंने पास में ही ना वेल्डिंग शॉप देखी थी, तो पहले वहाँ पे जाके जो ना वेल्ड करा लेंगे, और फिर वहाँ से हम निकल जाएंगे चार मीनार की तरफ। और भैया इसमें खाली थोड़ा वेल्ड कर सकते हो क्या, इस पर ये जो टूटा हुआ है यहाँ पे, इसको खाली ऐसे वेल्ड करना है। इसको खोलिए, इसको भाई। यहाँ पे अपना वेल्डिंग का काम हो चुका है, चार मीनार दिखा रहा है 47 किलोमीटर, सॉरी यार 14 किलोमीटर 37 मिनट दिखा रहे। अब देखने में भी जो ना सही लगते होंगे दोनों मिरर्स, पहले कैसे था एक मिरर टूटा हुआ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे भी। आर्क वेल्डिंग से अच्छा जो ना मुझे लगता है कि गैस वेल्डिंग है, और अभी यहाँ पे मैंने गैस वेल्डिंग की है इसको। सबसे ज़्यादा अगर स्कूटर कहीं पे देखे हैं ना, पहला जो है ना जम्मू कश्मीर में मैंने देखे, श्रीनगर के अंदर LML NV ज़्यादा चलती हुई देखी है, और उसके बाद जो है ना मैंने हैदराबाद में देखी है। भाई बहुत ही ज़्यादा बाजार क्षेत्र चलती है ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। एंड फाइनली हम पहुँच चुके हैं चार मीनार। आप मेरे सामने ही देखे हुए ना, पता नहीं कैमरा के अंदर दिख रहा है नहीं, सामने देख सकते हैं चार मीनार। तो पहले जाके जो ना हम नमाज़ अदा करेंगे, यहाँ पे एक मक्का मस्जिद है वहाँ पे चलेंगे। पहले स्कूटर को एक सही जगह पे पार्क कर लेते हैं। लास्ट टाइम जब यहाँ पे आया था तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, शायद अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, अराउंड 2 बजे बज जा रहे हैं अभी, इसलिए उतनी ट्रैफिक नहीं है। अगर मैं शाम को आता तो ज़्यादा ट्रैफिक मिलती शायद मुझे। ये देखिए एक बजाज चेतक है ना, इसमें पीछे इन्होंने लगा रखा है गार्ड, अभी इंडिकेटर के लिए गार्ड है, बहुत ही बढ़िया है। जितने भी यहाँ पे मैंने चेतक देखे ना, सेम टू सेम इंडिकेटर गार्ड जो है ना हर इसमें लगा हुआ है, ज़्यादा करके मैक्सिमम स्कूटर्स के अंदर वो गार्ड लगा हुआ है यहाँ पे। और दूसरी जगह पे मैंने जहाँ पे भी देखा है, लेकिन सेम गार्ड नहीं, अलग अलग गार्ड देखे हैं मैंने इंडिकेटर के ऊपर लगे हुए, लेकिन यहाँ पे जो है ना एक ही गार्ड ज़्यादा करके यूज़ किया गया है सब इसमें, सेम डिज़ाइन का गार्ड। तो यहाँ पे है पार्किंग, ये है मक्का मस्जिद। अभी नमाज़ पढ़ के जो है ना मैं यहाँ पे बैठा हूँ अकेला, और
इस मस्जिद को जो ना 17th सेंचुरी के अंदर बनाया गया था, और ये मस्जिद इतनी बड़ी है ना, यहाँ पे जो ना 10,000 लोग जो है ना एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। ये है सामने का यहाँ का नज़ारा, और यहीं पे सामने जो ना है वज़ू खाना। और इस मस्जिद को बनाने के लिए जो ना 8,000 वर्कर्स ने जो ना काम किया था, और 2007 के अंदर जो ना फ्राइडे मई 18 तारीख को जो ना यहाँ पे एक बम ब्लास्ट भी किया गया था इसी मस्जिद में, जो कि जुमा के दिन जुमा की नमाज़ अदा करते वक्त, और 13 लोग जो है ना शहीद हुए थे, और बहुत सारे लोग जो है ना ज़ख्मी भी हुए थे इसी मस्जिद में। और इसी मस्जिद के साइड में अगर देखोगे ना, उस तरफ है चार मीनार, ये देखिए। तो अभी जो है ना चार मीनार की पेंटिंग चल रही है, रिनोवेशन काम, और सामने देखोगे ना ये देखिए, और चारों तरफ जो है ना चार मीनार की यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए जहाँ पे बॉस कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। तो पहले जो है ना जाके यहाँ पे एक चाय पियेंगे, ईरानी चाय, और फिर यहाँ से जो ना हम निकल जाएंगे अपने काम के लिए। तो मुझे जो है ना जाके अभी जो मेरा स्पीडोमीटर का है वो जो है ना अभी आ जा रहा है, तो वहाँ पे जाके जो ना उसको पहले पिक करेंगे, और मुझे बंजी कॉर्ड लेना है दो, तो उसको लेके जो ना सीधा चले जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं हसन भाई के पास, जो कि आरएस क्लब के ओनर हैं, तो उन्होंने उनके पास जाएंगे और बंजी कॉर्ड लेके जो है ना हम फिर वहाँ से निकल जाएंगे। जहाँ पे मेरा स्पीडोमीटर आया हुआ है ना, तो मुझे लोकेशन पता नहीं है, बस उन्होंने व्हाट्सएप में लोकेशन भेजी है कि वहाँ पे आया हुआ है, तो वो जाके वहाँ से पिक करके ना सीधा चले जाएंगे रूम, और उसको फिक्स करके देखेंगे ना कि वो सही से वर्क करता है नहीं। अगर एक 2-3 किलोमीटर चला के देखेंगे कि वो सही से रीड कर रहा है नहीं, अगर सही से रीड कर रहा है तो अपने स्कूटर पे लगा के रखेंगे, वरना उसको निकाल के जो है ना हम रिटर्न करवा देंगे। अमेज़ॉन से मैंने उसको मंगाया था। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ भाई। जब दो टू स्ट्रोक वाले बंदे मिलते हैं ना, तो बहुत सारे डिस्कशन होती है, और वैसे ही अभी हमारी डिस्कशन हुई है यहाँ पे। ओहो टुक टुक भाई, थैंक यू सो मच। तो भाई अपना प्रोडक्ट यहाँ पे मिल चुका है, तो इसको जाके जो ना ओपन करेंगे ना, अब इसको रख देते, अपने पास जगह ही जगह है ना। या इसको निकाल देते, पहले बॉक्स में देख लेते क्या है। रख देते हैं, अगर रिटर्न भेजना हो ना तो ये काम आ सकता है मुझे, और इस बॉक्स को यहीं पे छोड़ देते ना। और वो यार इसको भी रखना होगा मुझे, तो इसको फोल्ड करके कहीं पे लगा देंगे। टाइम हो रहा है 5:30, और यहाँ से है 10 किलोमीटर इस लोकेशन में मैं रह रहा हूँ। ओहो क्या सा सनसेट भी हो रहा है ना। ओ भाई साहब बढ़िया सा सनसेट हो रहा है ना यहाँ से देखिए। ओहो हो माशाल्लाह।
अच्छा होगा। हम पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पे, तो एक बार इसको हम लगाने की कोशिश करते हैं ना, इसमें है क्या क्या। सो दिस इज लाइक अ यहाँ पे लगेगा 3M टेप यार। तो भाई थोड़ा सा जो है ना अल्टर करके मैंने अभी यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि थोड़ा वायर कम हो रहा है और इसको यहाँ पे लगाने के लिए ना एक्स्ट्रा वायर मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, और इसको जो है ना यहाँ पे कहीं पे होल्ड करके जो है ना अंदर से देना होगा। मैंने अभी टेम्पररीली के लिए जो है ना ऐसे लगा रखा है, तो यहाँ पे जाके मैं फ्यूल मुझे कैन में फिल करके जो है ना मैं आ जाऊँगा, तो देखते हैं कैसे वर्क करता है। और अपना मोबाइल भी इसमें से निकाल देते ना। ये हो चुका है कम्प्लीट चार्ज। फाइनली जो है ना मेरा ये सही से अभी लग चुका है, और मैंने इलारियो का जो है ना हेल्प लेके जो ना इसको मैंने ए कर दिया। तो वो संगम फ्रेंड्स था जो कि टायर का, उसमें जो है ना मुझे बहुत ही हो रहा था, तो मैंने ये पूरा मैनुअल पढ़ा है, पहली बार किसी चीज़ का मैनुअल पढ़ के जो है ना उसको सेट किया है। लेकिन फिर भी मैं इस मैनुअल को फेंकने नहीं वाला हूँ, क्योंकि रखूँगा, क्योंकि कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि मैं भूल सकता हूँ, तो तब मुझे ये काम आ जाएगा। और इसको अभी देखना, अभी जस्ट मैंने इसमें 1 किलोमीटर चलाया था, तो एक यहाँ पे दिखा रहा है 1 किलोमीटर, और मैंने पूरा जो है डिस्टेंस ट्रिप मैंने सब कुछ जो है ना रिसेट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना सही से नहीं दिखाता, मुझे लगता है थोड़ा बहुत नीचे ऊपर है टेम्परेचर का, बाकी सब कुछ जो है ना बढ़िया दिखा रहा है। और इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा जब अगर ये बराबर से वर्क करता है ना तब। तो भाई ये था आज का अपना सीन, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो करना लाइक और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो के अंदर क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं। तो मिलते तो किसी बढ़िया से वीडियो के अंदर।